मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। आरजी न्यूज में आपका स्वागत है। रेलवे के निजीकरण निगमीकरण के विरोध सप्ताह के दूसरे दिन नरमो ने किया सभाओं का आयोजन और प्रदर्शन। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश जिला बरेली में SIRF के आह्वान पर दिनांक 14 सितंबर से 19 सितंबर तक मनाए जा रहे विरोध सप्ताह के दूसरे दिन 15 सितंबर को नरमो की इज्जत नगर मंडल की सभी शाखाओं कार्यालयों पर शाखा मंत्रियों तथा मंडल पदाधिकारियों के नेतृत्व में रेलवे के निजीकरण के विरोध में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे कर्मचारियों को जागरूक कर निजीकरण से होने वाले दुष्ट परिणामों के बारे में बताकर सभी कर्मचारियों से निजीकरण का पुरजोर विरोध करने का आग्रह किया गया। इसी उपलक्ष्य में इज्जत नगर मंडल में केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी ने नेतृत्व में सीनियर सेक्शन इंजीनियर पीवे कार्य सिग्नल इज्जत नगर कार्यालयों पर तत्पश्चात प्राप्त 10 डीजल सेट इज्जत नगर में शाम 5 बजे वर्कशॉप इज्जत नगर पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार कोरोना की आड़ में मनमाने तरीके से रेलवे में निजीकरण करने पर आमादा है। वाराणसी मंडल में सिवान मैरवा तथा देवरी स्टेशन का निजीकरण पहले ही से हो चुका है और अब पूरे भारतीय रेलवे में यह प्रक्रिया अपनाने जा रही है, जिससे सरकार आने वाली युवा पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में डाल रही है, क्योंकि आने वाली युवा पीढ़ी बीटेक एमटेक तथा एमबीए करके भी बेरोजगारी ही रहेगी, क्योंकि जब सरकारी संस्थाएँ नहीं बचेंगी तो सरकारी नौकरियाँ कहाँ से मिलेंगी, प्राइवेट नौकरियों का क्या भरोसा आज है कल ना हो। उन्होंने बताया कि यदि रेल बिक जाएगी तो देश भी बिक जाएगा, क्योंकि भारतीय रेल भारत देश की आय का सबसे बड़ा उपक्रम है तथा इससे भारत देश के लाखों लाख परिवारों का गुजारा होता है। प्राइवेट होने से वह लोग क्या करेंगे सिवाय भूखे मरने के। उन्होंने बताया कि सरकार के ने रेलवे को घाटे में दिखाकर ही अब तक पैसेंजर गाड़ियों का संचालन आरंभ नहीं किया है, जबकि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष मालगाड़ियों से रेलवे की आय काफ़ी अधिक हुई है, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन अवधि में मालगाड़ियों का संचालन जारी रहा, फिर भी सरकार रेलवे को घाटे में दिखाकर इसे बेचने पर पूरी तरह आमादा है। इसलिए उन्होंने सभी रेल कर्मियों से निजीकरण का पुरजोर विरोध करने की अपील की है। इसी अवसर पर मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मलिक, मंडल मंत्री कामरान अहमद, रोहित सिंह, रईस अहमद, नूतन प्रकाश, सोमनाथ बनर्जी, मुकेश सक्सेना, आराम सिंह, रामकिशोर, ब्रजपाल सिंह, अनुराग शर्मा, परवेज अहमद, धर्मपाल, प्रदीप कुमार, हरपाल चौधरी, नीरज सिंह, एन सी पंत, प्रमोद राठौर, विनी शर्मा, सकीमुल आर आर टमटा, जगवीर सिंह यादव, पी के दुबे, मोहम्मद असलम, ताजुद्दीन राहुल सक्सेना, मोहम्मद यूनुस, अजेंद्र कुपदीप कुमार तथा मीडिया प्रभारी आरिफ हुसैन उपस्थित रहे। मैं बसंत चतुर्वेदी एनी रेलवे मध्यून का प्रेसिडेंट हूं और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का जोनल सेक्रेटरी हूं। ये 14 से 19 सितंबर तक जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उस संगठन के आह्वान पर हमारे कामरेड महामंत्री कामरेड सिंह कुमार मिश्रा जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने पूरे भारतवर्ष में ये विरोध सप्ताह हम लोग रेल बचाओ देश बचाओ, और ये इसलिए है कि आज जिस तरह से रेलवे का निजीकरण निगमीकरण सरकार एकदम एडामेंट है, मतलब वो एक तरह से दृढ़ संकल्पित है कि नहीं रेलवे को बेच ही देना है, हम इसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में हम लोग इसको जन जागरण के रूप में रेलवे कर्मचारियों के बीच में, उपभोक्ताओं के बीच में, क्योंकि करीब ऐसे 20 तरह के जो है रिलैक्सेशन है, सब्सिडी हैं जो रेलवे अपने उपभोक्ताओं को देती है, वो सारे के सारे प्राइवेट हाथों में जाने के बाद बंद हो जाएंगे। आज जितने भी
सरकारी संस्थान जित हैं वो सभी सरकारी संस्थानों को देख लीजिए, आज वो हिंदुस्तान में टॉप, चाहे IIM हो, IIT हो, ये सारी सरकारी हैं। तो आखिर रेलवे का, और रेलवे आप देख लीजिए, चाहे भारतीय जीवन बीमा निगम देख लीजिए, जो विश्व की अगड़ी पंक्तियों में खड़ी हुई हमारी भारतीय रेल, उसको बेचने का आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई? पूंजीपतियों को देने की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्या रेलवे 70 साल में नहीं चल रही है? कहां से कहां पहुंच गई? तो आज सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, पूंजीपतियों के हाथों में इस रेलवे को देने के लिए ही गए काम कर रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध तब तक नहीं थमने वाला है जब तक कि रेलवे सरकार अपने कदम पीछे नहीं खींचती है। तो चलाने के लिए प्राइवेट हाथों में, प्राइवेट ऑपरेटर के द्वारा चलाने के लिए, अरे हम ये कहते हैं सरकार पहले प्राइवेट ऑपरेटरों से ये कहे कि वो रेलवे लाइन बिछाएं, लैंड लें, उसके बाद अपनी रेलवे लाइन बिछाएं, अपनी डिब्बे बनाएं, अपने इंजन बनाएं, अपनी पटरी बिछाएं और गाड़ी चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन रेल हमारी, जमीन हमारी, पटरी हमारी, डिब्बे हमारे, इंजन हमारे, ड्राइवर हमारा, गार्ड हमारा, स्टाफ हमारा, मेंटेनेंस हमारा, किराया तय करेंगे आप? यही चीज जो आप उनको लिबर्टी दे रहे हैं, प्राइवेट ऑपरेटरों को, वो लिबर्टी आप हमें दे दें तो हम सोने की रेल बिछा देंगे। लेकिन वहां आप वोट बैंक की राजनीति को लेकर के आप एक रुपए भी किराया नहीं बढ़ाने दे रहे हैं। आपको ध्यान होगा दिनेश त्रिवेदी जी ने को हटा दिया गया था रेल मंत्री पद से, ममता बनर्जी ने खाली 1 रुपए किराया बढ़ाने के लिए, उन्होंने जो है सिर्फ 1 रुपए का किराया बढ़ाया था और उन्होंने अपने रेल मंत्री का पद गंवाना पड़ा। तो जब वोट की राजनीति इस कदर है तो आप प्राइवेट ऑपरेटरों को कैसे छूट दे रहे हैं आप कि आप अपनी मर्जी से किराया वसूलें? अगर वो मनमर्जी से किराया वसूलने की बात करते हैं तो फिर रेलवे को क्यों नहीं, रेलवे बोर्ड को ये अधिकार दें कि रेलवे बोर्ड भी अपनी मनमर्जी से अपने किराए को वसूल कर सके? हम लोगों ने आज 14 तारीख को ये शुरू किया है और कल हमारा कार्यक्रम विभिन्न जगहों पर होगा, जिसमें हम सारे जितने वर्किंग प्लेस हैं, RW PWI, आपके जो है AN ऑफिस, डीजल सेट, इन सभी जगहों पर 15 तारीख को हम लोग बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे और आम सभा करेंगे। दोपहर में हम लोग यहाँ जो है वो आम सभा का आयोजन करेंगे और उसके बाद 16 तारीख को हम लोग सारे जितने भी उपभोक्ता हैं, जो रेलवे को कंज्यूम करते हैं, जो रेलवे में सफ़र करते हैं, जिनको ये सब्सिडी मिलती है, चाहे वह महिला हों, सीनियर सिटीजन हों, उन सभी लोगों को, प्रभुत्व लोगों को हमने बुलाया है शहर के, और उनके साथ में हम सेमिनार करेंगे। 17 तारीख को हम शाम को अपनी बाइक रैली निकालेंगे, मोटरसाइकिल स्कूटर रैली निकालेंगे, और 18 तारीख को शाम को मशाल जुलूस 5:30 बजे निकाला जाएगा। ये हमारा कार्यक्रम है। 19 तारीख को सभी साथियों से, सभी रेल कर्मचारियों से, सभी उपभोक्ताओं से मेरा अनुरोध है कि वो आपका भारत सरकार के प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन को हैश आपका एयर जो है उस करके सेफ नेशन, सेफ रेलवे, सेफ नेशन का एक जो ट्विटर पर, अगर नहीं ट्विटर अकाउंट खोल रखा तो उन्होंने ट्विटर अकाउंट खोल करके भारत सरकार को ये बताने का काम करें कि कितने लोग आपके इस निजीकरण की नीति के खिलाफ खड़े हैं, ये आपको ट्वीट करके बताने का क्या आवश्यकता है और ये काम आपको करना है। साथियों, मैं आप सबको आह्वान करता हूँ और अपने खासतौर से उपभोक्ताओं से मैं ज़रूर विशेष रूप से आह्वान करता हूँ उपभोक्ताओं का कि वो भी हमारी इस लड़ाई में, इस मुहिम में हमारे साथ आए, जिससे कि इस रेलवे को बचाया जा सके, इस देश को बचाया जा सके। और इस रेलवे में जो आज हम लोग रेलवे को जिस स्वरूप में कंज्यूम कर रहे हैं, वह स्वरूप बरकरार रहे। जब हम 16 करोड़ का इंजन DLW बना सकते हैं तो 35 करोड़ का इंजन खरीदने की आवश्यकता क्या है? मेरा ये भी जो है आग्रह है कि हमारे रेलवे के कर्मचारी, हमारा स्टाफ पूर्णतया सक्षम है। आज देख लीजिए कि यदि हमने कोयला नहीं ढोया होता तो आपके घरों में बिजली नहीं जल रही होती, यदि हमने आवश्यक वस्तुओं को नहीं ढोया होता तो देश की आधी आबादी भूख से मर गई होती, कोरोना तो बाद में होता, आबादी आपकी आधी आबादी, सारी खाद्य वस्तुएं, सारी जो उपयोगी वस्तुएं हैं वो सब पहुंचाने का काम हमारे रेल कर्मचारियों ने किया है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री ने उनको कोरोना वॉरियर्स का सम्मान नहीं दिया है। ये जरूर कहा एक दिन अपनी मन की बात में कि रेलवे वालों ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन रेलवे वालों ने बहुत अच्छा काम किया है।
आज देश को अगर इस रूप में खड़ा करके रखा हुआ है, हर आम कर्मचारी तक अगर, आम जनता तक अगर राशन पानी पहुंच रहा है, खाद्य सामग्री पहुंच रही है, सब्जी पहुंच रही है, दूध पहुंच रहा है, तो उसका श्रेय केवल और केवल रेलवे को जाता है। सब प्राइवेट तो सब भाग गए थे अपने अपने घर, डटा कौन रहा, मैदान में कौन रहा? मैदान में तो केवल रेलवे रही, हमारे रेलवे कर्मचारी रहे, सरकारी कर्मचारी रहे, सरकारी डॉक्टर रहे, सरकारी मेडिकल स्टाफ रहा, तो केवल वही लोग तो सरकार के कर्मचारी ही जो है डटे रहे, बाकी सब लोग तो भाग गए। तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि रेलवे को किसी भी रूप में बिकने ना दें और इसका पुरजोर विरोध करें। मैं उपभोक्ताओं से भी आह्वान करता हूं और अपने कर्मचारियों से भी आह्वान करता हूं कि रेलवे को किसी भी हाल में बिकने देने के लिए अपने प्राण आपको अर्पित करने पड़ेंगे। जो भी लड़ाई होगी, ऑल इंडिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो गैर राजनीतिक संगठन है, ये किसी राजनीतिक संगठन का पॉकेट नहीं है, ये एनी रेलवे मद्रियन ऑल इंडिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी राजनीतिक पार्टी की टेडियो नहीं करता है, ये स्वतंत्र मजदूर आंदोलन चलाने वाला संगठन है। और इसीलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि इस गैर राजनीतिक संगठन के हाथों को मजबूत करें, ऑल इंडिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और एनी रेलवे मद्रियन के हाथों को मजबूत करें। धन्यवाद। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।